होली और शबे बारात एक साथ 7 मार्च को भारी वाहनों के शहर में नो एंट्री पड़ी रूट डायवर्जन। शबे बारात को देखते हुए 7 मार्च की शाम 4 बजे से शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। ये व्यवस्था 8 मार्च की सुबह 8 बजे तक प्रभावी रहेगी। आंतरिक यातायात व्यवस्था सेंट जॉन चौराहे से कलेक्ट्रेट तिराहे तक, पचकुइया से सुभाष पार्क तिराहे तक और नालबंद चौराहे से पचकुइया तक सभी प्रकार के वाहन, इक्का तांगा साइकिल का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उक्त मार्ग पर केवल पैदल जा सकेंगे। ग्वालियर की तरफ से आने वाले भारी वाहन रोहता नगर से, रोहता दिगनेर मार्ग से, एकता चौकी से इनर रिंग रोड होकर जाएंगे। फतेहपुर सीकरी की ओर से आने वाले भारी वाहन पथौली नहर से रुनकता होकर अपने गंतव्य को जाएंगे। फतेहाबाद शमशाबाद की ओर से आने वाले भारी वाहन सैया होकर ग्वालियर की ओर जाएंगे। जयपुर तथा दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन रोहता नहर पथौली होकर अपने गंतव्य को जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से होकर आने वाला कोई भी भारी वाहन, ट्रक, ट्रैक्टर आदि वाटरवर्क चौराहा, सुल्तानगंज की पुलिया, खंडारी चौराहा, पत्थर घोड़ा, तोड़ा चौकी, बमरौली कटारा थाना, बुंदू कटरा, एकता चौकी एवं बोधला से शहर में क्षेत्र में कोई भी वाहन प्रवेश नहीं करेगा। बाह्य यातायात मार्ग परिवर्तन। मथुरा की तरफ से आने वाले वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से फिरोजाबाद की तरफ निर्बाध रूप से जा सकेंगे। इसी तरह फिरोजाबाद से मथुरा की तरफ जाने वाला यातायात राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर यथावत चलता रहेगा। फिरोजाबाद से ग्वालियर एवं जयपुर की तरफ जाने वाले वाहन रुनकता से दक्षिणी बाईपास से होकर अपने गंतव्य को जाएंगे। अलीगढ़ की तरफ से आने वाला यातायात जिसको फिरोजाबाद जाना है, खंदौली से मुड़ी चौराहा होकर एतमादपुर पर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से अपने गंतव्य को जाएगा। मुड़ी चौराहे से टेढ़ी बगिया रामबाग को आने वाले बाहरी वाहन मुड़ी चौराहे से एतमादपुर व खंदौली होकर अपने गंतव्य को जाएंगे। ग्वालियर जयपुर से अलीगढ़ की तरफ जाने वाले वाहन दक्षिणी बाईपास से होकर रोहता चौराहे से दिगनेर मार्ग से एकता चौकी से इनर रिंग रोड होते हुए कुबेरपुर यमुना एक्सप्रेस वे से होकर जाएंगे। फतेहाबाद और शमशाबाद रोड से आने वाले भारी वाहन रिंग रोड से अपने गंतव्य को जाएंगे। अबूलाला दरगाह पर शबे बारात में भाग लेने वालों के जुलूसों व जत्थों को सकुशल सुरक्षा पूर्वक गुजारने के लिए हाईवे पर जिग जैग बैरियर लगाकर यातायात गुजारा जाएगा। अपर पुलिस उपायुक्त यातायात अरुण चंद ने बताया कि 7 मार्च की रात 11 बजे खुलने वाली नो एंट्री नहीं खोली जाएगी। नो एंट्री पास व अनुमति पत्र उक्त अवधि के लिए निरस्त रहेंगे।